सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अल्टीमेट स्पेक्टेटर यूट्यूब चैनल। सो आई हैवन्ट बीन पोस्टिंग एनी वीडियोस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसका एक रीज़न था, एक क्या बहुत सारे रीजन्स थे, बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट होते जा रहे थे जिसकी वजह से बहुत टाइम नहीं मिल रहा था फॉर पोस्टिंग वीडियोज। ऑल्दो आई डोंट पुट मच एफर्ट इन एडिटिंग माई वीडियोज, बट स्टिल, एंड आई वॉज ऑल्सो ऑन अ स्मॉल ट्रिप और वेकेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो या, these were some reasons for not posting any video for say around 2.5 months. Although I made sure to read all the comments which came on the other videos and reply back to them. Now, without wasting any further time, let us start with this video. And first of all, a very warm congratulations to every student who has cleared JEE Advanced 2021. तो जो पूरा साइकिल होता है ऑफ 2 ईयर्स फॉर सम पीपल एंड 3 ईयर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो अब जाके ख़त्म हो गया एंड यू गाइज कैन टेक सम रिलैक्सिंग टाइम एंड डू वॉट एवर यू लाइक। लेकिन उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चल रहा है, विच इज़ जोसा काउंसलिंग। इट इज़ गोइंग टू बिगिन इन अ कपल ऑफ डेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंटायर JEE साइकिल, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा JEE साइकिल खत्म हो जाएगा, जोसा काउंसलिंग खत्म होते, ठीक है। एंड अगेन जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर तुम लोग इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे नहीं देख रहे हो तो उसे उस पर कर लो, ठीक है। हालांकि अभी तुम्हें, अब तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि अब सब चीज़ खत्म हो गया, बट स्टिल आई गेस उस स्पीड पे एक अच्छा फ्लो आएगा पूरे इंटायर वीडियो का। सो बैक टू द बिजनेस, तो जोसा काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन जो मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रॉम माय नेबर्स, जिन लोगों ने भी इस साल JEE एडवांस क्लियर किया है, एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, एंड ऑल्सो ऑन द डिस्कॉर्ड ग्रुप जहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ, कि हाउ टू चूज कॉलेजेस, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली हाउ टू चूज IITs के बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। नो ऑफेंस टू अदर कॉलेजेस, जस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जिनकी रैंक 1000 से 10000 11000 के बीच में आती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ओल्ड IITs को प्रेफर करूँ या न्यू IITs को प्रेफर करूँ, ओल्ड IITs के साथ सॉरी न्यू IITs के साथ लोअर ब्रांचेस लेके घुस जाऊँ या किसी NIT में CSE ले लूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि बाकी लोग या हर कोई कॉलेजेस को किस तरीके से भरता है एंड क्या वो तरीका सही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें किन बातों पे किसी एक कॉलेज को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यही 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे हम एक कॉलेज को चूज करते हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं क्योंकि सिर्फ IITs ही बात कर रहा हूँ, तो इन 3 मुद्दों पर ही लोग कॉलेजेस को चूज करते हैं, ठीक है। हालांकि एट योर स्टेज, जब तुमने किसी IIT के कल्चर को जाना ही नहीं है, एंड गोल क्या है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो तुम लोग सिर्फ रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज ज़्यादा ऊपर अलॉट हो रहा है, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर अलॉट हो रहा है, तो तुम उसे देख कर उस बेसिस पे अपना एक कॉलेज चूज कर लोगे, ठीक है। विच इज़ काइंड ऑफ वेरी नेचुरल, बट ऑन द सेम टाइम इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड जब हम लोग कॉलेज आ जाते हैं तो 4 साल के बाद या फिर कुछ लोगों के लिए 5 साल के बाद, जो लोग IITD कोर्स में होते हैं, तब पता चलता है कि हमने क्या गलती की एंड हमें कौन सा ब्रांच और मिल रहा था जो हमने अवॉइड किया, ठीक है। एंड जिसके फॉर एग्जांपल नेबर्स या भैया या दीदी पहले से IIT में होते हैं या फिर पूरे के पूरे JEE साइकिल से गुजर चुके होते हैं, तो वो लोग इसमें अपने जूनियर्स को एक अच्छा और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं पहले सारे ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ओल्ड IITs में तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड न्यू IITs में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनके बारे में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। एंड फाइनल डिसीजन तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा कि तुम्हें अपने काउंसलिंग में किस चीज़ को ऊपर रखना है, ठीक है। बिकॉज फाइनली जो डिसीजन लेना होता है लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट
फुटस्टेप हो या चेक पॉइंट हो, तुम्हें ही वो डिसीजन लेना है, ठीक है? तो मैं सिर्फ तुम्हें एक हेल्प करूंगा इसमें। सबसे पहला जो चीज है, दिस इज एंड गोल। अब एंड गोल का क्या मतलब है? एंड गोल का बेसिकली मतलब है प्लेसमेंट, ठीक है? तो हाँ, कॉलेज जाने के बाद तुम काफी मस्ती करोगे, काफी चिल आउट करोगे, बहुत सारे दोस्त बनाओगे, यूट्यूब लिंगो में कहते हैं काफी ज्यादा साइड हसल करोगे, तो हाँ वो सब सब तुम करो, ठीक है? लेकिन 4 साल के बाद तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा अबाउट प्लेसमेंट, ठीक है? कि भाई सब चीज किया लेकिन प्लेसमेंट का क्या, ठीक है? तो उस समय तुम्हारा कॉलेज एक अच्छा प्लेसमेंट तुम्हें प्रोवाइड करता है या नहीं, दिस विल बी अ क्वेश्चन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, या कहूँ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो क्योंकि तुम लोग सब कोई आईआईटीज में जाओगे या एनआईटीज में जाओगे या जा रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो पैरामीटर है प्लेसमेंट, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है? बहुत सारे कंपनीज आती हैं, बहुत सारे ऑफर्स देती है, एंड फिर तुम लोग प्लेसमेंट को, मतलब जो भी तुम्हें जिस कंपनी में जाना है या जिस कंपनी में तुम्हारा लगा, वो सब चीज़ें 4 साल के बाद सॉर्टेड है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में भी एक कैच है। अब वो कैच क्या है कि प्लेसमेंट किस डोमेन में हो रहा है, ठीक है? किस डोमेन में हो रहा है, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बहुत तुम लोग में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, उन्हें एक डोमेन के बारे में पता होगा, SWE या SDE, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये एक बहुत फेमस एंड बहुत ल्यूक्रेटिव डोमेन है जो प्लेसमेंट में बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं, एंड यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज आजकल बांट रहा है, तो फिर इसी चीज़ के बारे में हमें पता है, ठीक है? लेकिन बहुत से और भी डोमेन्स होते हैं जिसमें लोग प्लेसमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे वेरियस डाइवर्स फील्ड हैं, बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट अपने मास्टर्स मतलब MS के लिए अप्लाई करते हैं या सीधे सीधे PhD के लिए अप्लाई करते हैं, जो लोग IDD वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये खैर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक अवेयरनेस नहीं है, तो ये सब चीज़ों को लोग मतलब लुक आफ्टर नहीं करते, एंड सिर्फ इस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि कौन से IIT से कितना ज़्यादा बड़ा पैकेज गया, या कौन सा IIT का CSE ब्रांच कितने ऊपर रैंक पे मिल रहा है, या फिर किस IIT में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ बातें हैं जो हमें देख के ही अपना फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो SDE प्रोफाइल, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कॉमन भाषा में कहीं कोडिंग, तो ये हर कॉलेज में आती है, ठीक है? इसके बाद से जो प्रोफाइल्स होती है, ये हर कॉलेजेस में नहीं आती, खैर MS PhD को हटा देते हैं, उसके ऊपर तक ही रखते हैं, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं, ये हर कॉलेजेस में नहीं आती, ठीक है? जैसे अगर IITs में ही बात की जाए, तो बहुत सारे न्यू IITs में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इन ब्रांचेस का। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अभी जैसे न्यू IITs में ये सब कल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है? एंड ओल्ड IITs में कल्चर डेवलप हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव फील्ड है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अवेयरनेस नहीं है, तो तुम लोग को पता नहीं होगा, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है आफ्टर प्लेसमेंट। ऑलमोस्ट हर बच्चा चाहता है कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर उसकी इनिशियल जॉब हो, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला फील्ड, इसकी जो सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है, ये IIT बॉम्बे में होती है, ठीक है? क्योंकि ये एक ओल्ड IIT और वहां पे प्रोडक्ट कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बहुत ज्यादा नया IIT ले ले, फॉर एग्जाम्पल IIT पटना, IIT जोधपुर, तो वहां पे ये उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वहां पे इसकी ओपनिंग्स कम या ना के बराबर आती है। तो एक कॉलेज से जो एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि बहुत सारे सीनियर्स से तुम लोगों ने सुना होगा अबाउट एक्सपोजर, तो यही वो एक्सपोजर है, ठीक है? तुम्हें अलग अलग काम करने वाले लोगों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का, सीखने का मौका मिलता है,
दिस इज दैट एक्सपोजर जो IITs प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड उसमें भी ओल्ड IITs एक अच्छा ऑप्शन बन के आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर ओल्ड IITs में लोअर ब्रांचेस भी मिल रही हो तो एक बार हम लोग ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब लोअर ब्रांचेस का ये मतलब नहीं कि हम लोग MSc BSc वगैरह की कोई फील्ड लेके अंदर चले जाए, ठीक है, बिकॉज उनके उनका जो प्लेसमेंट प्रोसीडर होता है थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी वो सब ब्रांचेस को हम लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ब्रांचेस नहीं हो, बेसिकली डिग्री ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग प्लेसमेंट में क्या। अब तुम्हारे पास फिर एक सवाल आएगा कि भाई अब अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आगे जाके करना क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स मैं बता देता हूँ कि जैसे कि IIT में बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग में हर कोई कोडिंग ट्राई करता है, लेकिन कोडिंग हर किसी बस की भी नहीं है एंड हर किसी को पसंद भी नहीं आती, ठीक है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो बाद में लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना अच्छा होता तो बाद में लोग MBA क्यों करते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो तुम कॉलेज में आओगे तब तुम्हें पता चलेगी, ठीक है। तो एक अच्छा सेट ऑफ ऑप्शंस को अपने पास ओपन रखना एक बुरा बात नहीं है, ठीक है। सो ओल्ड IITs में हमें ये प्रेफरेंस मिलता है एंड न्यू IITs में नहीं मिलता, ठीक है। अब ओल्ड IITs में जब कहता हूँ तो इससे मेरे क्या मतलब है, तो देखो जो 7 IITs है, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, मद्रास, ठीक है, ये टिपिकली ओल्ड IITs का जोन है, ठीक है। IIT BHU, ISM धनबाद, ये ओल्ड कॉलेजेस का जोन है, ठीक है। ये सब ये जो कॉलेजेस है IIT BHU और IIT सॉरी ISM धनबाद, ये बहुत साल पुराने कॉलेजेस हैं जिनका एलुमनाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे IIT BHU की बात करें तो 1919 का कॉलेज, ठीक है, तो उसका ऑलमोस्ट 101 ईयर चल रहा है, मतलब 100 साल पुराना कॉलेज है, तो उसके एलुमनाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे भी ये सारे डोमेन्स आते हैं, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर ISM धनबाद, ठीक है। लेकिन ओल्ड IITs के कंपैरिजन में अभी भी कम है एंड न्यू IITs के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ, वो कॉलेज जिसका एलुमनाई स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है उसे चूज करना हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। रीजन बीइंग किसी कॉलेज में कंपनीज ज्यादातर एलुमनाई ही लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स में उस कॉलेज का कोई बंदा काम कर रहा है, बंदी काम कर रही है, तो वही अप्रोच कराते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से कि भाई हमारे कॉलेज में आओ, प्लेसमेंट लो, करो नए बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अच्छे एम्प्लॉयज वहाँ से भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीडर होता है, इसीलिए अच्छा एलुमनाई स्ट्रेंथ मतलब जो कॉलेज बहुत पुराना है या फिर अच्छा वेल स्टेबल कॉलेज है उसे चूज करना इज अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर मुझे न्यू IIT में CSE मिल रहा है, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है, तो मैं उसे ले लूँ या फिर ओल्ड IITs में कोई लोअर ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये सब लेके मैं ओल्ड IITs आ जाऊँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन गो फॉर द न्यू IITs, या इनफैक्ट इन दैट सिचुएशन आई वुड से गो विद द NITs एज वेल, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें सीखने का पूरे कंप्यूटर साइंस के करिकुलम को बहुत अच्छा और बहुत डाइवर्स मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विच इज कि फॉर एग्जाम्पल मैं माइनिंग इंजीनियरिंग लेके IIT खड़गपुर आ गया या आ गई, तो उसके बाद क्या मैं जो फाइनल प्लेसमेंट्स होगा उसमें कंप्यूटर साइंस वाली कंपनीज में बैठ पाऊंगा या बैठ पाऊंगी। तो हाँ, डेफिनेटली जो कंपनीज होते हैं जो फाइनल प्लेसमेंट में आती है वो 99% ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस होती है, मतलब कोई भी ब्रांच का इंसान उसमें बैठ के अप्लाई कर सकता है। एंड ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि वो तो कंपनी के ऊपर है, ओपन फॉर ऑल कर दिया है, लेकिन हो सकता है सिलेक्शन ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल्स है जैसे हम लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उसके स्किल्स है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। एंड 99% कंपनीज ही मैंने क्यों कहा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 1% कंपनीज होती है वो बहुत नए स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें कोर कंप्यूटर साइंस स्किल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वो हर किसी को बैठने नहीं देते, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोग को देते हैं। लेकिन जो ओल्ड स्टैब्लिश्ड कंपनीज है जिसका भी तुम नाम जानते हो, फैंग वगैरह सारे के सारे, हर किसी को
अपने प्लेसमेंट प्रोसीडियर में बैठने का एंड अप्लाई करने का पूरा पूरा चांस देती। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्लेसमेंट सिनेरियो। अगर तुम्हें कोडिंग या फिर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ऐसे कोई ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है, देन गो विद दैट ब्रांच। जिस भी अच्छे IIT में या NIT में तुम्हें उसे मिल रहा हो, टेक इट एंड डोंट थिंक मच अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि 4 साल के बाद तुम कौन सा डोमेन में जाके लैंड अप करोगे, देन हैविंग अ गुड सेट ऑफ ब्रांचेस ओपन फॉर यू विल ऑलवेज गिव यू अपर हैंड। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एक सेगमेंट। जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा रीजन या फैक्टर का है, वो है दैट इज एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस क्यों? तो एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि बहुत सारे IITs क्या होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं। उस एक्सपेंस का बहुत सारा रीजन्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम कश्मीर में रहते हो एंड तुम्हें IIT मद्रास में पढ़ने का बहुत मन है। ठीक है, तो तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उस केस में। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं लगता है सुनने में। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, एंड हर कॉलेज का क्योंकि ट्यूशन फीस भी बराबर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न टू कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीस प्लस ट्रैवलिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस पॉइंट से, तो फिर वो मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता है कि कितना तुम्हें इस पे वेटेज देना है कि मेरे लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होता है, इसीलिए मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ। एक्सपेंसेस में ही कुछ और भी पॉइंट्स मैं कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान सपोज दिल्ली में रह रहा है एंड उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका जो बच्चा या बच्ची है वो दिल्ली में ही पढ़े, दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़े, ये लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का होता है। ठीक है, तो वो लोग IIT दिल्ली को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है, जो भी तुमको लेना है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर उनकी बेटी होती है तो बोलते हैं दिल्ली नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये पेरेंटल कंसर्न्स है जो मैं सुनता हूँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई बायसनेस नहीं है। ठीक है, एंड इसके बेसिस पे कॉलेज चूज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का होता है। ठीक है, जो लोग इसके बेसिस पे कॉलेजेस चूज करते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, तो वो उसे सुलझाएं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कल्चर एंड एक्सपोजर पे। ठीक है, कल्चर एंड एक्सपोजर क्या होता है? एक IIT में जाने से पहले ही जो कोचिंग वाले हैं तुम्हें हमेशा 11 से ही बोलते जाते हैं कि भाई तुम्हें IIT चले जाओ, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो एक्सपोजर और कल्चर का मैंने तुम्हें मतलब पहले ही समझा दिया था जब प्लेसमेंट की बात हो रही थी। ठीक है, कि बहुत सारे काम को करने वाले लोग जब साथ होते हो और उनके साथ तुम्हें 4 साल गुजारने हैं, तो वो 4 साल बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल का टाइम था। ठीक है, तो स्कूल के टाइम पे सिर्फ लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ भी करो पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि वापस घर आ जाना है, घर आओगे तो पेरेंट्स से डांट खाओगे, फिर स्कूल जाओगे, कुछ तो पढ़ना ही है हर दिन। ठीक है, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लोग पढ़ते भी हैं, बहुत पढ़ते हैं, एक्सट्रीम पढ़ते हैं। कुछ लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग सिर्फ खेलने पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग एक अलग ही डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा कोडिंग स्किल्स डेवलप कर लिया, बहुत अच्छा है एक्सटेम्पोर स्किल्स डेवलप कर लिया। ठीक है, छोटे मोटे स्किल्स को मोनिटाइज करना सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग MBA की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत डाइवर्स सेट ऑफ लोग हैं, तो वो तुम्हें एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने का मौका देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर IIT बॉम्बे जाने वाले हो, ठीक है, या कोई इंसान IIT बॉम्बे से, तो उसे पता होगा कि जो UPSC का 2 साल से टॉपर आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे। ठीक है, तो इसका मतलब कि IIT बॉम्बे में काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम ना भी कहें तो पिछले 5 साल से UPSC के लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में वो चीज़ें हैं। एंड अब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टॉपर्स आने लगे हैं उस कॉलेज से, IIT बॉम्बे से, तो वहाँ पे UPSC का कल्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। मतलब लोग उसको एज अ पोटेंशियल करियर ऑप्शन देखेंगे, इवन फ्रॉम देयर कॉलेज डेज। ठीक है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। एंड जैसे कि तुमने 4 साल कुछ नहीं भी किया, सिर्फ मज़े मारा, तो फिर भी तुम्हें एक चीज़ पता रहेगा कि लोग करते क्या है बेसिकली। ठीक है, मोटा मोटा लोग करते क्या है, कि कुछ लोग कोडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एनालिटिक्स कर रहे हैं,
लोग कुछ एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, आईआईएम जाना है, आईआईएम जाने के लिए भी क्या करना है, ठीक है, कौन सी कोचिंग को फॉलो करना है, किसका मटेरियल उठाना है, या कुछ लोगों को यूपीएससी करना है, ठीक है, तो तुम्हें हर चीज के बारे में आइडिया रहेगा, ठीक है। एंड जब तुम अपने से अबाउट 2-3 साल के बाद जब तुम जॉब कर रहोगे, मतलब जॉब के 2-3 साल के बाद तुम्हारे पास अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी अब लाइफ में आगे क्या करना है, तो तुम्हारे पास वो वाला एक्सपीरियंस होगा कि बाकी लोग क्या करते थे। तुम्हें सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होगा, सिर्फ तुम्हें अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। तो दैट इज कल्चर एंड दैट इज एक्सपोजर, ठीक है। एंड ये जो कल्चर है, ये किसी भी कॉलेज में बहुत सारे जो क्लब्स एंड कमिटीज होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट बॉडीज होते हैं, ये फॉर्म करता है, ठीक है। एंड ओल्ड आईआईटीज में स्टूडेंट बॉडीज जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, ओके। अब बात आता है कि ये सब तो हो गया, अभी तक तुमने वीडियो देखा होगा, तुम्हें लग रहा हो कि ओल्ड आईआईटी बस मिल जाए, ठीक है, इतना बस हो जाए मेरा, मतलब मामला सेट है। तो देखो ऐसा भी नहीं है, न्यू आईआईटीज भी जो है वो बहुत अच्छे, कुछ आईआईटीज है जो कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे, ठीक है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आईआईटी गांधीनगर है, तो आईआईटी गांधीनगर में एक ऐसा पॉलिसी है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा या बंदी 4 साल के बाद जब वहाँ पे कॉलेज कोर्स ख़त्म होता है तो वो अपना अगर स्टार्टअप करते हैं एंड वो फेल हो जाते हैं, तो 2 साल के बाद वो वापस आके कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू फिर से प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठ सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग, ठीक है। ऐसा मुझे किसी ने बताया है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने उसके साइट पर जाके इसको पढ़ा नहीं, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू आईआईटीज तुम्हें ऑफर करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक साउंड एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें हो फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज, तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन बात यही है कि अगर कोई न्यू आईआईटीज की तरफ जा रहा है या कोई और कॉलेजेस की तरफ जा रहा है, या आईआईटीज मिलते हुए भी एनआईटीज में जा रहा है, तो उसका मेन मुद्दा होता है सीएसई ब्रांच, ठीक है, कि उसे कोडिंग बहुत ज़्यादा करना है। उसका दो रीज़न हो सकता है, या तो उसे बचपन से बहुत एक्सट्रीम इंटरेस्ट है, ठीक है, कि मैं न्यू टेक बनाऊंगा, न्यू टेक के बारे में सोचूंगा, या जो भी ऐसा वैसा, या फिर सेकेंड रीज़न है कि वो मतलब जो यूट्यूब पे बनाया हुआ फर्ड है, मतलब बेसिकली कहें कि एक बनाया हुआ मतलब स्कीम है, तो वो उसमें आ चुका है, ठीक है। तो दोनों ही केस में खैर करियर तो बहुत अच्छा है, तो उस केस में अगर तुम लाई करते हो तो तुम्हें सीएसई चूज करना चाहिए, ठीक है, ये है। हाँ बस इसका एक डाउन साइड है कि हो सकता है जॉब करते समय कुछ समय के बाद तुम्हें ऐसा रियलाइज हो कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तो थोड़ा सा तुम्हें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर तुम्हें अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चूज सीएसई, ठीक है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे तुम लोग एक कॉलेज चूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो कुछ बातें निकल के आती हैं इस वीडियो से, ठीक है। बातें कुछ ऐसी कि हम लोग अगर ओल्ड आईआईटीज लें, ठीक है, अगर हमें मिल रहा है, सबसे पहले तो ये है कि मिलना भी चाहिए, अगर हमें ओल्ड आईआईटीज में कुछ थोड़ा लोअर ब्रांचेस भी मिल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एंड गोल है प्लेसमेंट, वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड जो कल्चर एंड एक्सपोजर वाला पार्ट है वो भी हमें पूरा पूरा वहाँ से मिलेगा, कोई खास दिक्कत उससे नहीं है। न्यू आईआईटीज अगर हमें सीएसई या कोई एक ब्रांच से बहुत ज़्यादा प्यार है तो हमें उस ब्रांच को चूज करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग होता है कि भाई मैं पीएसयू में काम करूँ, 4 साल के बाद मैं पीएसयू जाऊँ, ठीक है, तो पीएसयू जाऊँ तो वहाँ पे उन्हें बहुत मतलब मैकेनिकल केमिकल इस टाइप के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो लोग कुछ सोचते हैं कि केमिकल ले लूँ, ठीक है, क्योंकि केमिकल के कॉलेजेस कम है तो कॉम्पिटिशन गेट एग्जाम में कम होता है, वो पीएसयू अच्छे से जल्दी क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब भी कुछ पैरामीटर्स है जिसपे लोग काम कर सकते, तो यही था कुछ पॉइंट्स जिसे हमें देख के कॉलेज चूज करना चाहिए। फाइनल डिसीजन डेफिनेटली तुम्हारे ही हाथों में कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कॉलेज में आगे जाके पढ़ाई करना है। इफ इट इज फॉर आईआईटी देन आई कैन वाउच फॉर इट कि सारे कॉलेज इक्वली गुड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी किसी एक आईआईटी में आके कुछ एक्स अमाउंट का पैकेज ऑफर कर रही है, तो वो हर आईआईटी में सेम होगा, ठीक है। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि अगर कोई कंपनी एक्स सपोज से आईआईटी दिल्ली आ रही है तो कुछ एक्स अमाउंट का पैकेज ऑफर कर रही है, तो सेम कंपनी अगर आईआईटी धारवाड में आएगी तो x/2 या 1.5x या जो भी कुछ भी नंबर ले लो उतना पैकेज ऑफर करेगी, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें वो सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं जिनके बेसिस पे तुम्हें अपना कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आईआईटी बीएचयू का सिविल या फिर आईआईटी रुड़की का सिविल, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर तुम्हें तुम्हारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन जनरल भी किसी भी कॉलेज के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं उसका कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा जहाँ से तुम उसके बारे में पढ़ के अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो वीडियो था मैंने पर्टिकुलरली उन लोग के लिए ही बनाया था जो लोग इस बार 1 से लेके 10,000 या 11,000 रैंक तक स्कोर किए हैं। ठीक है, एंड दिस वॉज सोली एम फॉर जूसा काउंसिल। ठीक है, डेफिनेटली बहुत लोगों का इस एग्जामिनेशन में नहीं भी हुआ होगा, एंड दिस इज नथिंग टू शाई अबाउट, क्योंकि एग्जाम ही इतना टफ है विच इज जेई एडवांस। ठीक है, तो ना होना स्वाभाविक सी बात, ठीक है, बहुत कम लोगों का होता है। एंड अगर तुम लोग एक सीरियस कैंडिडेट हो इस एग्जामिनेशन के लिए, देन यू विल डेफिनेटली मेक इट टू इट नेक्स्ट ईयर, अगर तुम ढंग से मेहनत करते हो तो। एंड जब मैंने जेई का पेपर अपना दिया था पहली बार, तो मेरा भी नहीं हुआ था, मतलब मेरा हो गया था बट रैंक काफ़ी पीछे आई थी। ठीक है, तो दूसरे साल मैंने जब अपना अटेम्प्ट लिया था तो उसमें मेरी रैंक अच्छी आई थी, एंड देन आई गॉट इन टू IIT BHU। ठीक है, सो दिस वॉज जस्ट अ थिंग टू इन्फॉर्म यू गाइज। एंड जो ड्रॉप का पूरा प्रोसेस होता है, जिन लोगों का नहीं होता एंड उन्हें अच्छा करने का कुछ एक ऐसा कहें ललक होता है, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं ड्रॉप के जो स्टेजेस होते हैं उन्हें बता दूंगा तुम लोगों को, ताकि तुम लोग ड्रॉप लेना है ये एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लो, और अगर ड्रॉप नहीं भी लेके दूसरे कॉलेजेस के साथ जाना है तो वो भी कर लो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। सो एज द रिचुअल सेज कि अगर इस वीडियो के बारे में तुम्हें कोई भी थॉट हो, ठीक है, तो उस थॉट को पहले वेल सिंक्रोनाइज करना, इंग्लिश या हिंदी भाषा का चयन करना एंड कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर देना। ठीक है, आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स एंड इंटरेक्ट यू इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो इस पूरे जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कॉर्ड ग्रुप, ईमेल, जैसे भी तुम कॉन्टैक्ट करना चाहो। ओके, एंड डेफिनेटली डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सजेस्ट न्यू टॉपिक्स फॉर द वीडियो, आई विल कम अप विद देम। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय रहेगा सभी को।